नमस्कार, मैं प्रथमेश सोनी। हमारे भांडेसर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यह हमारी एक सीरीज चालू है। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, सीरीज जो देखना है वो पहले से ही आपको देखना पड़ेगा, पहले एपिसोड से देखना पड़ेगा। अभी तक हमने 5 एपिसोड इस पर लाए हैं और ये 6वां वीडियो एपिसोड है। दोस्तों, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 6वें वीडियो एपिसोड पर है। 5th वीडियो एपिसोड में हमने सीखा था अलजेब्रिक मेथड का पहला टाइप देखा था कि लीनियर इक्वेशन की सिस्टम्स होती हैं। अब सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले टाइप से, जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि उसी सिस्टम को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होती है? सबसे पहले सिस्टम क्या होती है? कुछ लोग बोलेंगे सिस्टम ही नहीं मालूम। तो सिस्टम माने कुछ भी नहीं, ये 2 इक्वेशन की पेयर, 2 इक्वेशन की जो पेयर होती है, इसी को सिस्टम कहा जाता है। अब इन दोनों पेयर्स को हम लोगों ने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस व्हाट? एलिमिनेशन मतलब क्या, तो बताइए मतलब क्या? एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन करने का मतलब क्या होगा बताइए? क्योंकि मैं जिस आधार पर बढ़ रहा हूं वो बहुत ही बेसिक आधार है, इससे पहले काफी हद तक आपका हो भी चुका है, वही मैं इन डिटेल बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक से हम लोग ले रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपका ध्यान भटक जाए। पूरा बेसिक नॉलेज से ही आप लोग प्रिपेयर हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक ठीक यदि आप लोग वीडियो को देखते हो तो आपको जरूर आपका हौसला दुगना हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड में व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन? एलिमिनेट करना क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बताइए, एलिमिनेशन मीन्स व्हाट? एलिमिनेशन का मतलब क्या? तो एलिमिनेट का मतलब बताइए। यस, ओके, आपसे ही पूछ रहा हूं। तो एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना सर, मतलब गायब करना, एलिमिनेट करना, निकाल देना, कट करना। अरे भाई, किसे कट करोगे? खुद को कट करोगे? नहीं, एलिमिनेट करना यानी जो हमारी सिस्टम होती है उस सिस्टम से कोई भी एक वेरिएबल रिजॉल्व करना पड़ता है, गायब करना पड़ता है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। सर क्या बोला आपने? क्या बोला? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो। एलिमिनेट कैसे करते, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो 2 यदि लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले जो वेरिएबल कैंसल करना है उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं, इक्वल बनाने पड़ते हैं। क्या बोला सर आपने? कि 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, जो वेरिएबल कैंसल करना है, चाहे x को कैंसिल करो चाहे y को कैंसिल करो, यदि जो वेरिएबल कैंसिल करना है उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो वास्तविक रूप से प्रॉब्लम के तौर पर मैं आपको अब लेके जाऊंगा। पर लेकिन समझ में आपको यह आना चाहिए कि हमारा इक्वेशन किस फॉर्मेट में होना। एक तो हमारा इक्वेशन a1x + b1y + c1 या फिर
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में चलेगा, या फिर हमारा इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी ऐसा भी चलेगा, प्लस सी तो माइनस सी हो गया, इस प्रकार के फॉर्मेट में भी चलेगा। ज्यादातर स्टूडेंट ने इस फॉर्मेट में कई बार सॉल्व किया हुआ है, तो ये फॉर्मेट भी बेहतर आपके लिए हो सकता है। एलिमिनेशन जैसे कि मैंने बोला आपको, उसी प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे। इसमें मैं कुछ टाइप या फिर कुछ प्रोसीजर मेथड लिख के देना नहीं चाहूंगा। सर क्यों? ये इससे पहले हो चुका है, इसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मेथड लिख के देना, प्रोसीजर लिख के देना, ये एक फॉर्मेलिटी वाला फंडा होता है। हम एक्चुअल वास्तविक पढ़ेंगे कि एक्चुअली हम लोग करते क्या है। तो आपका जो जड़ है, जो बेस है, वो 100% क्या हो सकता है, मजबूत हो सकता है। आइए पहले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन। क्योंकि हम लोग सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, अल्जेब्रिक मेथड की सेकंड टाइप को देख रहे हैं, तो हम लोग अब एलिमिनेशन मेथड से ही देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं, 7x माइनस 5y इक्वल टू 11 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, धीरे धीरे पहला प्रॉब्लम है, आइए देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ भी सॉल्व करने से पहले गिवन क्या दिया है, जो गिवन दिया है उसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पर लेकिन क्या वो इस फॉर्मेट में है, ये भी चेक कर लो। ऐसा फॉर्मेट लिखता हूं फिलहाल के लिए मैं, ax प्लस by इक्वल टू सी, ये भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये फॉर्मेट में नजर आ रहा है, मैं लिख लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, गिवन 7x माइनस 5y इक्वल टू 11, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा जो है वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारी मेथड चालू है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में अभी मैंने बताया कोई भी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ता है। गायब कैसे होगा देख लेते हैं। अच्छा, कौन सा वेरिएबल पसंद है? तो यहां पर मैं देखता हूं जो दोनों इक्वेशन है उसमें जो y के कोएफिशिएंट का साइन है, y के कोएफिशिएंट का जो साइन है वो अपोजिट है, और अपोजिट वाला होता है तो काफी हद तक परेशानी नहीं जाती, जल्दी सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग अपोजिट साइन वाले पहले कंसिडर कर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि x कंसिडर नहीं कर सकते, पर लेकिन मैंने इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि ये अपोजिट साइन का था, कौन, y का कोएफिशिएंट, तो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता। तो सबसे पहले क्या निकल के आया, सबसे पहले निकल के आया आइडेंटिफाई द वेरिएबल विच यू आर रिजॉल्व, जो आपको रिजॉल्व करना है, जो आपको एलिमिनेट करना है, उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो। तो मैंने एक आइडेंटिफिकेशन कर लिया, इसको y वेरिएबल एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यदि y वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है तो उनके कोएफिशिएंट क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, सेम दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। आएंगे कैसे, ऐसा आप तो ये बोल सकते हैं, सर यहां पर y का कोएफिशिएंट 4 है तो यहां पर 4 लेके आओ, नहीं लेके आ सकते। सर यहां पर y का कोएफिशिएंट 5 है, यहां पर 5 लेके आओ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, लाएंगे कैसे, तो हमने सीखा हुआ है
तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन वन रहेगा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चार से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर लिख लेता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वन बाय फोर। और नीचे भी वही प्रोसीजर एक ही साथ में कर लेता हूं कि ऊपर वाली इक्वेशन को चार से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली इक्वेशन को पांच से मल्टीप्लाई करो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि y के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं एंड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर टू, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर टू बाय फाइव। तो कर लेंगे पहले इक्वेशन वन को चार से मल्टीप्लाई करो, तो 7 चौक 28 एक्स बोल देंगे, बराबर है। यहां पर 4 से 20 हो जाएगा, ये यहां पर 4 से 44 44 जिसको हम लोग बोलते हैं 44। ओके, नीचे आता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है, केवल y को मल्टीप्लाई नहीं करते, हर एक टर्म को। तो 5 into 3 15 x, यहां पर 5 into 4 plus 20 y, और यहां पर करेंगे तो 35 मिलेगा। अब क्योंकि ये साइन अपोजिट है तो अपोजिट साइन होगा, तो हम लोग दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर यदि आपने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दे दिया, तो हम लोग यहां पर प्रोसीजर के साथ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 and 4। मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करो, ऐड करो। तो ऐड कर लेते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 28x माइनस 21y सॉरी 20y इक्वल टू 44 है, ये 44 है, और दूसरा है 15x प्लस 20y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। क्या करना है, एडिशन करना है, कैसे करेंगे, तो 28 प्लस 15 कितना होता है, 8 और 12 13 हो जाएगा, 1 carry 43x हो जाएगा। ये समझ में आ रहा, बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन जैसे कि, तो ये प्लस 20y और माइनस 20y, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वही तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यस, तो यहां पर प्लस 20y माइनस 20y कैंसिल हो गए। अब मैं थोड़ा सा दिखा लेता हूं, दिखाता कैसे हूं, ये देखिए थोड़ा सा डॉट 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 कर लेता हूं ऐसे, अरे भाई कैंसिल हो गया, आप समझ में आ रहा है। तो ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू यहां पर कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, तो 5 और 4 9, और यहां पर टोटल कैलकुलेशन करेंगे 4 और 3 7, समझ में आ रहा है। तो टोटल आंसर किस प्रकार से आएगा एक बार देख लीजिए, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू इंटू वाला 43 शिफ्ट करके डिवाइड में आएगा। तो इसी प्रकार से x की वैल्यू 79/43 आपको मिल गई। कोई आपत्तिजनक बात हो गई क्या, 7 चौक 28 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 20 44 15 20 35 9 हो गया, 7 हो गया, और यहां पर भी 43x बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपने ठीक से सॉल्व किया होगा, आपको 79/43 इस प्रकार से आंसर मिला होगा। अब x की वैल्यू मिल गई, अब y की कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब सॉल्व करने की बारी आती है तो सॉल्व में हम लोग क्या करते हैं, x और y दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले तो हमने x की वैल्यू निकाली है, अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी, ये सारे बेसिक कैलकुलेशन है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो x की वैल्यू 79/43 है, ये हम लोग इक्वेशन वन में या फिर इक्वेशन नंबर टू में डाल सकते हैं। हाँ बताइए कहां पर डालना है, कौन से इक्वेशन में डालू, सेकंड वाले, क्योंकि प्लस वाला है, डाल सकते हैं, पहले में भी डाल सकते हैं, आपकी जहां मर्जी हो वहां ये डाल सकते हैं आप लोग। तो मैं इक्वेशन नंबर टू में डाल देता हूं इसको, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 79/43
3 इन इक्वेशन नंबर 2 सपोज. तो 3 एज इट इज है ओके. x की वैल्यू 79/43 है प्लस 4y है इक्वल टू 7 है. अब 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, ये 3 ऊपर केवल मल्टीप्लाई होगा. बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंस है. अब ये कैलकुलेशन स्टूडेंट को पूछो, सर ये 3 कहां पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा कि नीचे मल्टीप्लाई होगा कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो उनके लिए जवाब ये है कि ये 3 कहां पर दिखता है, ऊपर. तो केवल ऊपर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन होने वाली है. तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 3 जा एक बाजूला तुम्हें नहीं तो अच्छे करू शकता, ऐसा कर सकते आप लोग. 9 3 27 9 3 27 2 कैरी 21 21 और ये 2 21 और 2 तो यहां पर 2 3 7/43 प्लस 4y इज इक्वल टू 7. समझ में आ रहा है. अब ये प्लस वाला पोर्शन इधर शिफ्ट करेंगे तो कहां पर जाएगा, माइनस में डेफिनेटली जाएगा. तो माइनस में लेके जाएंगे हम लोग डेफिनेटली. तो देखिए किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे. 4y इज इक्वल टू 7 है ही, ये प्लस वाला पूरा पोर्शन प्लस में था, शिफ्ट कर दो तो माइनस में होगा. तो यहां पर माइनस में हम लोग यहां पर लिखेंगे. साथ ही में 7 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 हमेशा होता है, तो 1 लिखा. तो 4y इज इक्वल टू 7 × 43 माइनस 237/43. तो टोटल 4y इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा बताओ, यहां पर दिख रहा है आपको. ठीक ठीक एक बार ठीक से एक बार लिख लेता हूं वापस से. 7 − 237/43 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 43 −237/43. मल्टीप्लीकेशन कीजिए कितना आता है, 21 2 कैरी 28 और 2 30 बराबर है अपॉन में 43. टोटल आंसर 4y इज इक्वल टू, हाँ 300 से यदि आप लोगों ने, ठीक है 301 से आपने 237 निकाल दिया तो आपको मिलता है 64. तो यहां पर 64 मिलेगा अपॉन 43 मिलेगा. अब ये कैसे सॉल्व करोगे, अब कैसे सॉल्व करोगे, अब लास्ट स्टेप ये इनटू वाला 4 जो है ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे हम लोग. तो यहां पर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 64/43 × 4 इनटू वाला डिवीजन में जाएगा तो 43 के मल्टीप्लाई में जाने वाला है. तो 43 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहां पर y इज इक्वल टू 64 × 1 = 4 कर सकते हैं आप लोग, और यहां पर 4 16 जा बोल सकते है ना. 64 तो 4 16 जा बोलेंगे तो टोटल आंसर 16/43 आएगा. तो टोटल आंसर x इज इक्वल टू 79/43 और y इज इक्वल टू 16/43. इस प्रकार से आपको दोनों आंसर मिलेंगे. जिनको आपत्तिजनक बात नहीं समझे होगी टेंशन मत लीजिए, वापस रिपीट कर देता हूँ. ये जो प्लस वाला पोर्शन है ये इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस में होगा. 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग. 7 × 43 1 × 2 = 37 तो 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो 237 बचता है. और नीचे एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लीकेशन करो तो 43 × 7 = 301 होगा −237/43. यदि आप लोगों ने इनकी सब्ट्रैक्शन की करके देखे, सॉल्व करके देखे आप लोग पेज पर, ठीक है तो आपको 64 आपको स्टूडेंट मिलेगा. साथ में आप लोग देखेंगे ये 4 इंटू में था, y के इंटू में था, इंटू वाला डिवीजन में जाएगा तो किसके डिवीजन में जाएगा, तो 64 के डिवीजन में जाएगा. तो
यहां पर इंटू में आएगा वो, तो यहां पर इंटू में लेके आए, पर लेकिन 4 1 4 4 16 होता है, तो यहां पर आपने 4 1 4 किया, 4 16 64 किया, तो टोटल आंसर आपको मिलेगा 16/43। इसी प्रकार से आपने बाय यूजिंग इलिमिनेशन मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये जो पहला प्रॉब्लम था बहुत ही आराम से था, जिनको इसमें कोई तकलीफ नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ये पहले से ही मालूम होता है, तो वो लोग इसको डबल एक्स के स्पीड से देख सकते हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम लोग उस स्टूडेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं जो बेस नहीं जानता, या फिर उसको बहुत आपत्ति जाती है कैलकुलेशन पार्ट, तो उस स्टूडेंट के लिए भी हम लोग ये सेवा उपलब्ध करके दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत धीमे जाएंगे, जिनको आता है तो वो लोग फुल स्टॉप करके खुद का सॉल्व कीजिए और फिर बाद में डायरेक्ट आंसर देखिए, ऐसा भी स्टूडेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब दूसरे प्रॉब्लम की ओर आता हूँ। इसका काफी हद तक आपने स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लिया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो वही है हमारा, क्वेश्चन नहीं बदला है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय इलिमिनेशन मेथड, पर लेकिन ये क्वेश्चन अब बदल देंगे। तो जैसे कि हम लोग सीरीज में आते हैं, तो हमने हर सीरीज में एक या फिर दो होमवर्क आपको दी है, तो आप यदि देख रहे हो तो होमवर्क सॉल्व करना और हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्या है ये बताना बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है, आपका बिल्ड जो बेसिक होता है वो काफी हद तक बिल्ड भी हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और आने वाले समय के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेकंड प्रॉब्लम की ओर मैं बढ़ता हूं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो यही रहेगा, सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं, सॉल्व कैसे करना है यही समझते हैं और कैलकुलेशन कैसे होने चाहिए। तो यहां पर वापस सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, जब भी सॉल्व करने के लिए बोला तब क्या करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो पहला इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, एक्स प्लस वन बाय टू प्लस वाई माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू आपको मिलेगा 8। ठीक है, और दूसरा है इक्वेशन x माइनस वन अपॉन 3 y प्लस वन बाय टू इक्वल टू 9। मैंने ये प्रॉब्लम थोड़ा सा फास्ट लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। काफी हद तक सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा बंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा सुंदर भी करने के चांसेस है कैसे। तो मैंने हर बार बोला फॉर्मेट ये रखिए, किसी भी हालत में ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। आएगा कैसे, करेंगे कैसे, अरे कर लेंगे। आइए सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। इलिमिनेशन मेथड तो आपको समझी होगी कि कौन से भी एक वेरिएबल को आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, गायब करो, कौन से भी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करो और नए वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो उसी प्रकार से जाने वाले हैं। पर लेकिन सबसे पहले मेन बात आती है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के आधार पर ही हम लोग यहां पर रीअरेंज करेंगे। तो पहले इक्वेशन को रीअरेंज किस प्रकार से किया जाता है देख लेते हैं। तो देखिए गिवन, गिवन क्या था, तो गिवन था x प्लस वन बाई टू वाई माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू 8। सबसे पहले इस फॉर्मेट में लेके आओ, तो लाने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो एलसीएम मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। तो व्हाट इज मीन बाय एलसीएम मेथड, तो वही इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × x + 1 2 × y − 1 और 3 × 2 नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 मिलेगा, ये मत भूलिए 8। अब ये 6 कहां पर है, 6 हमारा आप देखेंगे तो 6 हमारा डिवीजन में है, डिवीजन वाला शिफ्ट होके मल्टीप्लाई में होता है ना, तो टोटल आंसर 3 × x + 1 2 × y − 1 इक्वल टू डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में, तो टोटल कैलकुलेशन आप 3 से ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करना है ना ब्रैकेट से को मल्टीप्लाई करना, तो 3 × x 3x 3 × 1 3
प्लस टू से मल्टीप्लाई करो, टू इंटू वाई टू वाई, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और यहां पर एट सिक्स आठ ही आठ सखम म्हणतात आपण, तो एट सिक्स भी बोल सकते जा। तो यहां पर कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x वेरिएबल कहां पर है, तो यहां पर है तो 3x एज इट इज। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि y वेरिएबल कहां पर है, यस फिर बाद में y है, और फिर बाद में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट कहां पे है। तो यहां पर देखिए ये दो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों की पहले सब्ट्रैक्शन कर लो। तो 3 माइनस 2, तीन से दो गए तो प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 को शिफ्ट किया तो माइनस 1 होगा ना, तो मैं लिख लेता हूं देयरफॉर 3x प्लस 2y, प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 होगा, और टोटल आंसर आपको कितना मिलेगा यहां पे, तो टोटल आंसर आपको मिलेगा 47। ठीक है, मैं एक बार ठीक ढंग से लिखूंगा, पर लेकिन फिलहाल में मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया, बस आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया है। मैं एक बार ठीक से लिखने वाला हूं, केवल मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को रियल फॉर्मेट में लिखा है, रियल फॉर्मेट यह है आपका। दूसरे इक्वेशन को भी इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं दूसरे इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दूसरा इक्वेशन है हमारा, हाँ, तो x माइनस वन, ठीक है, तो x माइनस वन बाय थ्री प्लस y प्लस वन बाय टू इक्वल टू कितना, नाइन। वापस से क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते तो एलसीएम मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। एलसीएम मेथड कैसी पढ़ाई थी, 2 इंटू एक्स माइनस वन, थ्री इंटू वाई प्लस वन अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। 6 डिवीजन वाला शिफ्ट करेंगे तो कहां पर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, जाएगा कि नहीं, यस जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ब्रैकेट ओपन करो, तो 2 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x मिलेगा कि नहीं, 2 से 2 इंटू माइनस वन माइनस टू होगा कि नहीं, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू नाइन 3y, और 3 इंटू वन दैट इज 3, और 9 सख 9 सिख जा, जा बोलते हैं ना हम लोग, तो जा है वो, ओके। तो फिर बाद में स्टैंडर्ड फॉर्मेट, पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कौन है, कांस्टेंट, तो यहां पर भी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चाहिए। तो कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, दिख रहा होगा आपको, तीन माइनस दो, तीन से दो गए, एक बचा प्लस वन लिखेंगे यहां पे, इक्वल टू 54। स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ही चाहिए तो ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस वन को शिफ्ट करो तो आपको मिलेगा माइनस वन, टू एक्स प्लस थ्री वाई, चौवन, चौवन से एक गया तो कितना, त्रेपन, 53। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो दो इक्वेशन मैंने सॉल्व किए इसको दोबारा मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये और एक बार समझ जाए, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के भाषा में लिख लेता हूं, क्योंकि मेन हमारा काम क्या है, मेन हमारा काम है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड, पहला इक्वेशन लिख लेता हूं, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 47, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 53, इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करना पड़ता है, बताओ, बताइए बताइए बताइए, कोई भी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ता है। अच्छा, कौन सा वेरिएबल गायब करेंगे, x या y, प्रीवियस इसमें y को गायब किया था, इसमें, अब प्रीवियस में y को क्यों गायब किया था, तो मैंने बताया था उसका कारण कि दोनों के साइन अपोजिट थे, दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के साइन अपोजिट थे। यहां पर तो आप देख सकते हैं कि दोनों के साइन सेम सेम है, तो एक तो x को गायब करो या फिर y को गायब करो, कोई भी एक, तो इस बार x को गायब कर देते हैं। तो x को गायब करेंगे तो कौन सा वेरिएबल मिलेगा,
y वेरिएबल मिलेगा, तो कैसे गायब करेंगे? तो मैं क्या कर लेता हूं, दोनों के पहले कोएफिशिएंट क्या करता हूं, इक्वल 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 कैसे आएंगे, तो सिंपल इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अपसत भंड, आपस में झगड़ना इसे बोलते हैं, कि इसको इसके साथ झगड़ा और इसको इसके साथ पकड़ा, झगड़ा और पकड़ा। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन बाय इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाइंग एंड लिखेंगे यहां पर, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर टू बाय टू को किससे मल्टीप्लाई, थ्री से मल्टीप्लाई। तो फटाफट करो, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करो तो सिक्स एक्स मिलेगा ना। यहां पर बताओ 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 क्या होगा, यहां पर बताओ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वाई, हाँ यहां पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ रहा ना, तो रफ पेज पर जाइए और सॉल्व कीजिए। तो सेवन टू जा फोर्टीन, वन कैरी आठ नौ, नाइन्टी फोर, समझ में आया। फिर बाद में यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो, सिक्स एक्स, यहां पर नाइन वाई, थ्री इंटू थ्री नाइन, यहां पर 3 इंटू टू सिक्स, और यहां पर जब 3 से मल्टीप्लाई करें, सर नहीं जम रहा है, रफ में जाइए सॉल्व कीजिए, 3 जा 3 फाइव जा, मतलब कितना, ठीक है। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो वेरिएबल आपको कैंसिल करना है, कौन सा वेरिएबल कैंसिल करना है, x, तो उनके साइन आप देखेंगे तो सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कोई भी साइन हो सकता है, पर यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है। जब साइन इक्वल होते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, जब साइन इक्वल होते हैं तब सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थ्री बाय इक्वेशन नंबर फोर, मतलब थ्री को सब्ट्रैक्ट करो फोर की मदद से, क्योंकि फोर इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा लगता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, ये इक्वेशन पहले लिख लेता हूं, नाइन वाई इज इक्वल टू 159, फिर बाद में ये इक्वेशन लिख लेता हूं, और दोनों को क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा गलत हो गया इक्वेशन नंबर थ्री, ओके इक्वेशन नंबर फोर पहले लिखा, और इक्वेशन नंबर थ्री आपको दिखेगा यहाँ पर फोर है और यहाँ पर 94 है, सब्ट्रैक्ट। और आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या होते हैं, चेंज, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 6x माइनस 6x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 9 में से 4 गए, सब्ट्रैक्शन है हम, 9 में से 4 गए। अब यहां पर 159 में से 94 गए, तो 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5, और यहां पर 6 बचेगा ना, तो 65, समझ में आ रहा है, और इंटू वाला 5 डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 65/5। अब भागाकार डिवीजन तो कैसे होगा, तो नहीं आ रहा है, करके देखते हैं एक बार, करके देखते हैं जी। तो 5 1 जा 5, 1 कैरी आएगा, 5 लिखेंगे, 5 3 जा, अरे लिखिए ना, समझ में आ रहा है, 13। अब ये y की वैल्यू 13 आ गई, दो में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो, कोई भी इक्वेशन में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले वाले, ओके, तो लिख लो यहां पर पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए 3x तो एज इट इज है, प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है, 13 इक्वल टू 47। ये इस प्लेटफॉर्म पर आने वाला हर एक बच्चा टेबल लर्न करके आया होगा, ऐसे हम लोग समझते हैं, क्योंकि बचपन से बताया जाता है, बचपन की बातें
55 तक याद रहती हैं, इतना याद रखिए, बचपन की बातें 55 तक ही याद रहेगी, क्योंकि यहां पर टेबल जो है आपको बोला गया था कि 30 तक के टेबल लर्न करो, तो वो आने चाहिए। तो यहां पर देखिए 3x प्लस 13 इंटू 2 कितना होता है, 13 दुने 26 और ये 47। अब ये 26 इधर शिफ्ट करो तो क्या माइनस होगा ना, प्लस 26 शिफ्ट करेंगे तो माइनस, तो यहां पर फाइनल तौर पर आपको आंसर मिलेगा 3x इज इक्वल टू 26 को शिफ्ट, माइनस 26 हो जाएगा। अब 47 में से 26 चले गए तो यहां पर देख सकते हैं कि टोटल मिलेगा 7 में से 6 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इनटू वाला डिवाइड में डाल दीजिए 21/3 x इज इक्वल टू यहां पर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 13, इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा इस इक्वेशन का। सर आपने इतना बड़ा करके दिया, ये प्रोसेस हमें मालूम है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हम उस स्टूडेंट के दिल तक जाने वाले हैं जिस स्टूडेंट को बेसिक में बहुत सारा प्रॉब्लम है या फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, इसीलिए पूरा कैलकुलेशन पार्ट, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर बात मैंने बताई है। जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर लेकिन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आज के ये जो प्रॉब्लम्स है लिए हुए या आपको समझे होंगे, काफ़ी हद तक आपने इसको सॉर्ट आउट किया होगा, नोट डाउन किया होगा। जिनको ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस हो गई है उन्होंने पॉज करके सॉल्व करके देखा भी होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, पर जाने से पहले हम लोग क्या देके जाते हैं, होमवर्क देते जाते हैं, तो इस बार भी एक होमवर्क तो बनता ही है जिस जो रहेगा एलिमिनेशन मेथड पर। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इक्वेशन रहेगा हमारा 9x माइनस 4y इक्वल टू 8 और दूसरा है रहेगा 13x माइनस सॉरी प्लस है 7y इक्वल टू 101। यदि वीडियो आपने देखा होगा तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसके आंसर निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि आप लोग इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखते हो तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हमें आशा मिलती है, उम्मीद मिलती है। दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखना।